और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें देश के अलग अलग राज्यों से देखें। लखनऊ में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लैपटॉप की चपेट में आई थर्मोकोल और मोमबत्ती की फैक्ट्रियां। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, मवेशी को बचाते समय आपस में हुई दो कारों की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 लोगों की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के कटनी में फैक्ट्री में लगी आग, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद ली गई, आग की वजह से करीब 7 करोड़ का नुकसान। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस हुई लीकेज, गैस लीकेज की वजह से कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, मजदूरों को कराया गया अस्पताल में। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, एक कपड़ा फैक्ट्री में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हुई, मरने वाले सभी बिहार के रहने वाले। यूपी के हापुड़ में भीषण आग का तांडव, बिजली की तार बनाने वाली फैक्ट्री में आग से हड़कंप, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, दमकल विभाग के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तमिलनाडु में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, चेन्नई के कई इलाकों में भरा पानी, माउंट रोड में जलजमाव से बड़ी मुसीबतें, कई जिलों में अलर्ट जारी, स्कूल बंद। पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश से बड़ी मुसीबत, लगातार हो रही बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टियों का ऐलान, लोगों से बाहर ना निकलने की अपील। आंध्र प्रदेश के बारतला में भीषण आग से मची अफरा तफरी, निजामापट्टनम पोर्ट पर धूं धूं कर जली नाव, पानी के बीचों बीच खड़ी बोट, आग लगने से पूरी तरह खाक। ओडिशा के पुरी स्टेशन पर आग का तांडव, डिपो में खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी भीषण आग, वॉशिंग यार्ड में सफाई के दौरान हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट की आशंका। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल, दीपावली के बाद तेजी से बढ़ रहा पॉल्यूशन, अक्षरधाम इलाके में सुबह 6:30 बजे 609 दर्ज किया गया AQI, सांस लेने में बेहद परेशानी। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में तेज बारिश, मौसम विभाग ने 13 और 14 नवंबर को तमिलनाडु के कुछ शहरों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज देश भर में मनाया जा रहा भाई दूज का पर्व, पुंछ में महिलाओं ने सेना के जवानों के साथ मनाया भाई दूज, सेना के रोमियो फोर्स भाइयों के साथ कृष्णा घाटी सेक्टर पर मनाया गया भाई दूज। गुजरात में दिखाई दी गाय गोहरी उत्सव की धूम, सालों से चली आ रही है परंपरा, पारंपरिक तरीके से गाय गोहरी उत्सव मनाते हैं। गुजरात के राजकोट में गोंडल के अक्षरधाम मंदिर में धूमधाम से मनाया गया अन्नकूट उत्सव, 700 से ज्यादा शाकाहारी व्यंजनों का ठाकुर जी को लगाया गया भोग, गुजराती नववर्ष पर होती है गोवर्धन पूजा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।